आज मैं दसवीं कक्षा के बच्चों के लिए 13.1 का नवा प्रश्न लेकर आ रहा हूं। देखते हैं, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्ध गोला खोदकर निकालते हुए वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है दोस्तों, एक बेलन है हमारे पास दिया हुआ, ये देखिए कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा बेलन बना लेते हैं। एक ड्राइंग हमारी इतनी अच्छी नहीं है दोस्तों, अब ये देखते हैं, ये बेलन सा बना लेते हैं थोड़ा सा, ये अर्धवृत्ताकार इस तरह से ये चीज़ बनाई है मैंने, और ये इस तरह से ये चीज़ है, ये अर्ध गोले जो हैं मैंने इस बेलन में से काट कर रखे हुए हैं ये दो। तो आपको पता है अर्ध गोले का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr² स्क्वायर होता है, और बेलन का जो होता है 2πrh होता है। ये जो है मेरे पास ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी हुई है, और ये जो है मेरा 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है। अब क्या बोलता है हमारे पास कि बेलन की ऊंचाई प्रश्न के अनुसार दी हुई है 10 सेंटीमीटर, बेलन के आधार की त्रिज्या आर है, बराबर है प्रत्येक अर्ध गोले की त्रिज्या, जो देखिए ये जो मेरा अर्ध गोला है इसकी जो त्रिज्या है 3.5 वो ही दूसरे अर्ध गोले की त्रिज्या होगी, क्योंकि जब हम इस तरह पैरेलल बढ़ेंगे तो हाइट सेम रहेगी। तो ये मेरी बेलन के आधार की त्रिज्या आर बराबर है प्रत्येक अर्ध गोले की त्रिज्या बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है, ये जो बेलन है इसमें अर्ध गोले खोखले इस तरह से निकाल लिया है हमने, और उसका क्षेत्रफल निकालना है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्ध गोलों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फार्मूला है 2πrh है, और जो अर्ध गोले होते हैं उसका जो फार्मूला है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr है, लेकिन हमें दो अर्धवृत्तों का निकालना है, तो मैंने यहाँ से दो से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ये फार्मूला नीचे पुट कर रहा हूँ, वैल्यू ये 2 आ गया, ये पाई की वैल्यू 2/7 है, आर मेरा 35/10 कैसे हुए दोस्तों, ये 3.5 है, तो इसको मैं 35/10 लिख सकता हूँ। किस तरह से दशमलव का यहाँ पे एक आ जाता है, और दशमलव के बाद जो एक डिजिट है उसकी मेरे जीरो लग गई, तो मैंने 35/10 फॉलो कर लिए। आगे ये प्लस का सिंबल है, ये ठीक है, और ये फार्मूला मैंने आपको अभी पहले समझाया, अर्ध गोलों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr², लेकिन मुझे निकालना है दोनों का, तो मैंने दो से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये दो आ गए मेरे, 2×22/7 × r². अब r² 35/10 × 35/10, अब देखते हैं इस चीज़ को कैसे, इस 7 से 7 5 10 हो गया मेरा, और ये 5 × 5 5 2 10, अब ये चीज़ हो गई है, और इससे मेरी ये चीज़ चली गई मेरी, और 22 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा 220 आ गया। अब ये प्लस, अब इस चीज़ को काटते हैं, देखिए 5 से कटेंगे, 5 × 7 35 5 × 2 10, इसको भी 5 × 5 7 35 और 5 × 10। अब इससे मेरा ये 2 से ये 2 मेरा कैंसिल हो गया है, और ये 2 से इससे मेरा ये 2 कैंसिल हो गया है, और ये 7 से ये 7 कट हो गया मेरा, मैं सॉरी, इस 7 से 7 कट हो गया, 5 से जाएगा तो ये 5 7 आएगा इधर, तो बाई अब ये बचे हैं मेरे पास 22 और 7, और जब मैं 22 और 7 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 154, तो ये 154, ये जो आया है मेरा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, और ये दोनों अर्ध गोले जो है मेरा उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। अब मेरे से क्या पूछा कि संपूर्ण का निकालना है, तो मैं इन दोनों टर्मों को प्लस कर दूंगा, 220 प्लस ये दोनों मैंने प्लस कर दिए, 4 7 और 3, तो लास्ट में मेरा ये आंसर आया है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो मेरा आंसर आया है दोस्तों। धन्यवाद। Good.